सो हेलो सुपर हीरो फैंस, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। सो अगर आप भी सुपर हीरोज की पिक्चर में दिलचस्पी रखते हैं तो आप भी मार्वल्स के काफ़ी बड़े वाले फ़ैन होंगे। फिर मैं स्पाइडरमैन की बात कर लूँ, आयरन मैन की बात कर लूँ, हल्के की बात कर लूँ या अपने थॉर की बात कर लूँ। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई बकवास किए। नंबर 5 पर जो मार्वल की मूवी आती है उसका नाम डॉक्टर स्ट्रेंज है। इस मूवी से मार्वल ने डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को फर्स्ट टाइम हमें इंट्रोड्यूस कराया था। नंबर 4 पर आती है काफ़ी तगड़े फैन बेस वाले सुपर हीरोज की मूवी जिसका नाम है आयरन मैन। मैं आयरन मैन की बात करूँ तो मार्वल यूनिवर्स के लिए काफ़ी मैन कैरेक्टर है। पर्सनल मेरा ओपिनियन दूँ तो रोबोटनिक जूनियर इस कैरेक्टर के लिए एक परफेक्ट रोल थे। तो अब हम आगे चलते हैं नंबर 3 की मूवी की तरफ जिसका नाम है एवेंजर एंड गेम। इतनी गजब की मूवी होने के बाद भी ये मूवी फर्स्ट नंबर पर नहीं रैंक करती है, ये बात काफ़ी डिसअपॉइंट है। इस मूवी में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हमें लो पावर दिखाए जाते हैं, खास कर थॉर, जबकि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में थॉर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने अकेले ही थैनोस की छाती में स्टॉर्म ब्रेकर को मार दिया था। एंड इस मूवी के अंदर थॉर की पावर को एकदम ही ख़त्म कर दिया गया था और इसके अंदर एक लेजेंड कैरेक्टर की डेथ भी होती है, इसीलिए लोगों को डिसअपॉइंट करती है। सो नंबर 2 पर जो मूवी आती है उसका नाम है दी एवेंजर्स। तो ये मार्वल की फर्स्ट मूवी होती है जिसके अंदर एवेंजर्स एक साथ आते हैं एंड ये आने वाली जनरेशन के लिए एक न्यू एरा सेट कर देती है। पर 1 पर जाने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। तो फाइनली नंबर 1 पर आती है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर। अब ये मूवी फर्स्ट नंबर पर इसलिए आती है क्योंकि मूवी के अंदर सुपर हीरोज एंड विलन्स का पावर का स्केल काफ़ी हाई होता है। इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी तगड़ी फाइट देखने के लिए मिलती है हर सुपर हीरोज की। तो ये थी टॉप 5 मार्वल मूवीज़। तो आपको इनमें से कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है आप कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।